बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमास किचन मेन्यू डॉट कॉम। मैं हूँ अलमास और आप देख रहे हैं अलमास किचन मेन्यू यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ शामी कबाब की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और बनती भी बहुत जल्दी है। झटपट से रेडी हो जाने वाली रेसिपी है ये, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलिशियस और सबके मनपसंद कबाब। तो एंड तक मेरी वीडियो को वॉच करें और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ मेरे स्टाइल से। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में जो प्रेस बटन है उसे ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ के गोश्त ले लिया है मैंने 1 kg, और गोश्त आप देखें पिंक कलर में है और कितने फ्रेश गोश्त है और साफ़ सुथरा गोश्त है। तो आपने भी इसी तरह लेना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा फ्रेश। जो चर्बी वगैरह होती है वो निकाल दीजिएगा, वो नहीं इसमें ऐड कीजिएगा, वरना आपको चॉपर में चॉप करने में बहुत परेशानी होगी। 1/2 kg मैंने चने की दाल ले ली है, चने की दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और अब इसे गोश्त में ऐड कर देंगे। तीन से चार अदद तेज़पात ले लिए, तेज़पात को अच्छी तरीके से वॉश कर लिए, क्योंकि इसमें मिट्टी होती है तो मिट्टी इसके अंदर नहीं आनी चाहिए। दालचीनी को भी वॉश कर लिया, 4 से 5 अदद दालचीनी है, 4 से 5 अदद बड़ी इलायची है। हसबे साए का सॉल्ट है, 1 tablespoon जीरा है इसमें। साबित मिर्च ले लिए हैं 10 से 15 अदद, साबित हरी मिर्च ऐड कर दूंगी 10 से 15 अदद। छोटे साइज के 3 अदद मैंने अनियन ले लिए हैं, उसे बारीक बारीक कट करके वो भी ऐड कर दिए मैंने। टेबल स्पून गार्लिक ऐड कर देंगे। जिंजर गार्लिक साबित हो तो वो दोनों साबित ऐड कर दिएगा, मैंने पिसा हुआ ऐड किया है। 2 tablespoon जिंजर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। और अब इसमें वाटर ऐड कर दूंगी, 4 से 5 glass मैंने इसमें वाटर ऐड किया है। इतना वाटर ऐड करना है कि गोश्त हमारा इसमें इसी वाटर में गल जाए, चने की दाल और गोश्त भी दोनों, ज़्यादा वाटर ना हो और ना ही कम। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए तेज़ फ्लेम में पकाएंगे। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुका है, पानी हाफ खुश्क हुआ है। तो पहले हम चने की दाल को चेक करेंगे कि चने की दाल हमारी गली है कि नहीं। गोश्त और चने की दाल दोनों को चेक कर लेंगे। ये देखें चने की दाल हमारी गल चुकी है, तो हमने पानी को तेज फ्लेम करके खुश्क कर लिया जो थोड़ा सा पानी रह गया था, और ये हमारे शामी कबाब का पानी खुश्क हो गया। अब हम इसे चॉप करेंगे। देखा आप लोगों ने कितने झटपट से शामी कबाब बनके रेडी होता है, ये देखें आप। और अब मैं इसमें 3 अदद अंडे ऐड कर दूंगी, एग्स ऐड करेंगे, 1 गड्डी हरा धनिया और 4 से 5 अदद हमने दोबारा से इसमें हरी मिर्च बारीक बारीक कट करके वो भी ऐड करना है इसमें। और अब इसे अच्छी तरीके से हमने, बहुत अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लेना है। और ये देखें ये कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम इसे इस शेप में हम इसे बना लेंगे, ये देखें। हमारे कबाब बनके रेडी हो गए हैं, कुछ मैंने फ्रीजर कर दिए हैं बनाकर और कुछ मैं अभी आपको फ्राई करके दिखाऊंगी।
फ्राई पैन ले लिया है, उसमें ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल हमारा जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें शामी कबाब को ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो अब इसमें हम वन बाई वन शामी कबाब ऐड करते जाएंगे। ये देखें, अब इसे हमें स्लो फ्लेम में फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करना है, स्लो फ्राई करना है। वन साइड से हमारे फ्राई हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है, तो अब हम साइड प्लेट लेंगे। चलें जी डिश में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम। देख के ही मुंह में पानी आ रहा होगा, मैंने कहा था ना मुंह में पानी आ जाता है देखते ही। दिल करता है बस गरम गरम पराठों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, और केचप हो, मायोनीज हो, उसके साथ हम इसे नोश फरमाएं, सलाद रायते के साथ। तो घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये आप लोगों का प्यार होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। नेक्स्ट रेसिपी लेकर मैं फिर हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।